नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अजा एकादशी 15 अगस्त को पड़ रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और नियम सहित करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। हालांकि एकादशी के दिन कुछ नियमों पालन करना जरूरी है, तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। वहीं जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करें। एकादशी के दिन गुस्सा ना करें और वाद विवाद से दूर रहें। शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वहीं एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत का फल भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एकादशी के पावन दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। तो इस दिन मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सात्विक रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।